है। उसके साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वो ये देखकर बतका रह गया कि करधों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ख्याल है आपका, कपड़ा सुंदर है या नहीं? दोनों ठगों ने उससे भी यही सवाल किया और साथ के साथ उस झूठ मूठ के कपड़े के डिजाइन और रंगों की सुंदरता बखानना आरंभ कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा, नहीं मैं अपने पद के लिए अयोग्य हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे अब भेजा है मैं उसी के अयोग्य हूँ। है तो यह बड़ी अजीब बात, पर पता इसका किसी को नहीं चलना चाहिए, इसलिए उसने भी कपड़े की तारीफ और उसके रंगों तथा डिजाइन को खूब सराहा। फिर राजा के पास जाकर बोला, कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा है और आज तक किसी ने ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने उसे स्वयं भी देखना चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करके पर बुना जाता देखने में और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में भी ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे जो पहले कपड़ा देखने गए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। कितना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा, महाराज तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े के डिजाइन और रंगों को सराहिए। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई न दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे ही रहा होगा। यह क्या, राजा सोचने लगा, वाह यहाँ तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, वह तो बड़ी गड़बड़ की बात हुई। क्या यह हो सकता है कि मैं बेवकूफ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में न हो? यह तो मेरे लिए बड़ी खराब बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए उसने प्रकट में कहा, हाँ सचमुच कपड़ा बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वो खाली करघों की ओर देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा, मानो डिजाइन की परख करने के बाद वो उस पर मोहित हो गया हो। ये तो वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। जितने मुंह उतनी बातें, कपड़ा सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी प्रसन्न हो रहे थे, मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों देखा है। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को वे अपने अपने कोटों के काजों में लगा लें। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था उससे पहली रात को दोनों ठग जागकर काम करते रहे और 20 ठंडे उन दोनों ने जलवाए रखे। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करघों पर से उतर गया है। तब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैंचियां ली और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया। फिर बिना धागे की सुइयां लेकर ऐसा दिखावा किया मानो कपड़े सिए जा रहे हैं। अंत में जुलूस के समय से थोड़ी ही देर पहले वे हाथ पैर झाड़कर निपट गए मानो बड़ा भारी किला फतह कर डाला हो। उन्होंने संदेशवाहक से कहा, देख नहीं रहे हो कपड़े तैयार हो गए हैं, राजा साहब को सूचना दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर दे आया, महाराज बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं।
मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को ले